छात्र सीएम योगी भी साथ मौजूद। सहारनपुर के रैली में पीएम मोदी बोले, सहारनपुर में शक्ति का स्थान, पूरे देश में होती है शक्ति की पूजा, वहीं शक्ति के खिलाफ है विपक्षी गठबंधन। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने दुनिया में देश की छवि खराब की है, हमने सरकार बनाने के बाद मजबूत की देश की छवि, आज दुनिया में बज रहा है भारत का डंका। पीएम मोदी बोले, बीजेपी के लिए देश से बड़ा कुछ भी नहीं है, हमने लोगों का भरोसा जीता है, गरीब कल्याण बीजेपी का मिशन है। सहारनपुर की रैली में पीएम मोदी का हमला, कहा कि कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, देश देख रहा है कि पहली बार विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप, कांग्रेस के पास ना नीतियां हैं ना विजन, कांग्रेस कभी भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। पीएम मोदी का इंडिया अलायंस पर बड़ा अटैक, कहा कि हमारा मिशन है भ्रष्टाचार हटाओ, भ्रष्टाचारी एकजुट होकर मोदी को धमकी दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर की रैली को किया संबोधित, कहा कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकी मारे हैं, योगी ने द गार्जियन की रिपोर्ट का दिया हवाला। बंगाल के वेस्ट मिदनापुर के भूपति नगर में एनआईए टीम पर अटैक, कारों पर पथराव कर तोड़े शीशे, दो अधिकारियों को आई चोटें, दो आरोपी हिरासत में। भूपति नगर ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए सीआरपीएफ सुरक्षा बल के साथ पहुंची, एक आरोपी को पकड़ने पहुंची थी, अज्ञात लोगों ने टीम पर पत्थरबाजी की। एनआईए टीम पर अटैक को लेकर बीजेपी ने सीएम ममता को घेरा, अमित मालवीय का पोस्ट, लिखा ममता बनर्जी के कुशासन के तहत पश्चिम बंगाल हमेशा की तरह अराजक बना हुआ है। एनआईए टीम पर हमले पर बोले बीजेपी नेता राहुल सिन्हा, बंगाल में ममता बनर्जी की तानाशाही, ममता ने चरमपंथियों के हाथों में छोड़ा राज्य का भविष्य। भूपेंद्रनगर में एनआईए टीम पर हमलावरों का सीएम ममता ने किया बचाव, कहा कि एनआईए ने आधी रात को छापा क्यों मारा, लोकल पुलिस से इजाजत ली थी क्या। सीएम ममता का एनआईए पर बड़ा आरोप, कहा कि बीजेपी के समर्थन में एनआईए को गंदी राजनीति का अधिकार नहीं है, क्या वो बूथ एजेंट को अरेस्ट करेंगे। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में दिल्ली के कई इलाकों में सीबीआई की रेड, केशवपुरम के एक घर से दो नवजात शिशु का रेस्क्यू किया गया, खरीद फरोख्त करने वाले कई लोग भी अरेस्ट। 4 से 5 लाख रुपए में बेचे जाते थे नवजात बच्चे, सीबीआई सूत्रों के मुताबिक एक महीने में करीब 10 बच्चे बेचे गए, कई बड़े अस्पताल सीबीआई के रडार पर। अरविंद केजरीवाल का लेकर गोवा कोर्ट से राहत, दर्ज एफआईआर गोवा कोर्ट ने खारिज की। 2017 चुनाव में केजरीवाल ने दिया था बयान, पैसे सबसे ले लो और वोट झाड़ू को देना। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ी, राउज एवन्यू कोर्ट ने आज पेश हुए थे सिसोदिया। दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी ने फिर ईडी पर हमला बोला, कहा कि 2 साल से आपके किसी भी नेता के पास मनी ट्रेल का कोई रुपया भी नहीं पहुंचा है। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले, जब के कविता से पूछताछ करेगी सीबीआई, शराब घोटाले के कई और राज खुलेंगे। कांग्रेस ने 3 राज्यों में 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, मुरैना, खंडवा, ग्वालियर, दादर और नगर हवेली के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं। उत्तराखंड और त्रिपुरा में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी, कांग्रेस चीफ खड़गे के साथ सोनिया, राहुल भी। अमरावती में वाईएसआरसीपी विधायक एमएस बाबू ने कांग्रेस ज्वाइन की, आंध्र प्रदेश कांग्रेस से चीफ वाईएस शर्मिला ने दिलाई सदस्यता। जयपुर में कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी के वादों को बताया जुमला, कहा कि इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी प्रमुख लालू यादव को बड़ी मुश्किल, ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत अरेस्ट वारंट जारी किया। लालू यादव के खिलाफ फर्जी साइन से हथियार खरीदने का आरोप है, 95 से 97 के बीच 3 फर्म्स के जरिए हथियार खरीदे गए थे। पीएम मोदी के जमुई की सभा पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कसा तंज, कहा कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर घबराहट दिख रही थी, उन्हें पता है कि इस बार बिहार बदलना लेने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, कमलनाथ के करीबी साथी दीपक सक्सेना 45 साल पुराना रिश्ता तोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने दीपक सक्सेना को दिलाई बीजेपी की सदस्यता, मार्च में दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना बीजेपी में शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कि प्रदेश में विगत 5 साल में अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार चरम पर जनता जानती है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कांग्रेस पर हमला, कहा कि कांग्रेस सिर्फ घोषणा कर सकती है, उन्हें पूरा नहीं कर सकती, इंडी गठबंधन को ठगबंधन कहा। बीकानेर से कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल ने अपनी जबरदस्त जीत का दावा किया, कहा कि अर्जुन राम मेघवाल 5 लाख से ज्यादा वोटों से हारेंगे। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बीजेपी पर पार्टी पर हमला, कहा कि मतदाताओं से विश्वास कर बीजेपी का समर्थन किया था, मतदाता चुकाएंगे विश्वासघात का बदला। नागपुर में कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला ने किया रोड शो, नागपुर से कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे के लिए वोट मांगे। पुडुचेरी सीट से नाम तमिलर काची उम्मीदवार ने किया प्रचार, डॉक्टर मेनका ने घर घर जाकर प्रचार किया। त्रिची में एनडीए के कैंडिडेट पी सेथी लाथन ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में एएमएमके और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पुणे में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए, पार्टी कार्यकर्ताओं ने भरा जोश। कल्याण से महायुति के उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे को लेकर देवेंद्र फडणवीस का दावा, 2019 से भी अधिक रहेगा जीत का मार्जिन। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का संदेश, लिखा कि उम्मीद है कि जनता एक बार और मौका देगी, हमने हमेशा राष्ट्रपथम के आदर्श पर काम किया है,
बीजेपी के स्थापना दिवस पर अमित शाह का पोस्ट, लिखा कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने की यात्रा में अपना जीवन समर्पित करने वालों को सलाम। बीजेपी के स्थापना दिवस पर जेपी नड्डा ने पोस्ट किया, लिखा पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प चुनाव में अभूतपूर्व जीत की राह पर बढ़े। बीजेपी के स्थापना दिवस पर राजनाथ सिंह ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी, लिखा पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड में कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में फहराया झंडा। बीजेपी के स्थापना दिवस पर जयपुर में कार्यक्रम, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झंडा फहराया। भोपाल में भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम, सीएम मोहन यादव ने दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। गुवाहाटी के बीजेपी ऑफिस में स्थापना दिवस पर कार्यक्रम, बीजेपी प्रत्याशी बिजुली कालिता मेधी ने फहराया पार्टी का झंडा। हैदराबाद में भी बीजेपी ऑफिस में फाउंडेशन डे प्रोग्राम, तेलंगाना बीजेपी चीफ और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने झंडा फहराया। केरल के सीएमपी विजयन का कांग्रेस पर निशाना, कहा कि बीजेपी सरकार से बिना प्रोसीजर से हटा दी धारा 370। कांग्रेस ने ना ही संसद के अंदर ना ही सड़क पर आके विरोध किया। सीए पर बोले सीएम पीएम विजयन, हमारी पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में सीएए रद्द करने का वादा किया, जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस मुद्दे पर चुप्पी है। हैदराबाद में बोले असदुद्दीन ओवैसी, मुख्तार अंसारी के आवास पर जाने के बाद सोशल मीडिया पर मुझे मिल रही है धमकियां, मैं तभी मरूंगा जब समय आता है। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की होर्डिंग पर एक्शन, एसपी ऑफिस के बाहर लगी होर्डिंग पुलिस ने हटाई। अमरोहा में कांग्रेस प्रत्याशी कुमार दानिश अली पर नमाजियों की भीड़ का हमला, कार में बैठे दानिश अली को भीड़ से बचने के लिए भागना पड़ा। दानिश अली के पार्टी बदलने और क्षेत्र के उपेक्षा करने से नाराज है लोग, हम डायरेक्ट बीजेपी को वोट देंगे ये कहना है लोगों का। रामेश्वरम के पास कोस्ट गार्ड एक्वाटिक सेंटर का उद्घाटन, कोस्ट गार्ड के डीजी राकेश पाल ने उद्घाटन किया। तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली में इनकम टैक्स का छापा, हाईवे डिपार्टमेंट के ठेकेदार के रेड। हरियाणा के कैथल में चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक मामले में डिप्टी कमिश्नर का एक्शन, 5 कर्मचारियों को निलंबित किया। कृष्णनगरी में ईसी फ्लाइंग स्क्वाड को बड़ी सफलता मिली, 15 करोड़ की कीमत की गोल्ड ज्वेलरी की बरामद, होसुरू की जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपी गई ज्वेलरी। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव समेत 8 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, 1200 पेज की रिपोर्ट में 24 गवाहों के बयान, स्नेक वेनम पुष्टि के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज। नोएडा के सेक्टर 26 में एक अनाथालय में आग लगी, सभी 16 बच्चे और केयरटेकर को सुरक्षित निकाला गया, कोई हानि नहीं। मथुरा के वाहन चेकिंग के दौरान कार सवार की पुलिस पर फायरिंग, जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से कार सवार घायल, चोरी की कार और तमंचा बरामद। राजस्थान के पाली में रात 1:30 बजे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.7 तीव्रता। तमिलनाडु के ऊटी में एक घर में घुसा तेंदुआ, भालू यानलानी कैकती गाँव में पहले तेंदुए के फिर भालू के आने की तस्वीर कैद हुई। यूपी के बस्ती में एलेक्सा की मदद से बंदरों के हमले से बची बच्ची की जान, बच्ची के कमांड पर एलेक्सा ने कुत्ते की आवाज निकाली, सुनकर भागे बंदर। अयोध्या में लगातार उमड़ रहे हैं श्रद्धालु, भगवान रामलला के दर्शन के लिए लगातार था। अब घर में बैठकर लोग कर सकेंगे रामनवमी पर अयोध्या से भगवान के दर्शन, दूरदर्शन पर राम मंदिर में रामनवमी की पूजा का होगा सीधा प्रसारण। राम जन्मभूमि तीर्थ श्रेष्ठ की ओर से अपील, अपने अपने घरों गांव मोहल्ले में रामनवमी मनाएं, दूरदर्शन पर अयोध्या से सीधा राम मंदिर में पूजा की तस्वीरें देखें। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में 100 जगहों पर LED स्क्रीन लगाए जाएंगे। ताइवान और इंडोनेशिया के बाद भूकंप से हिला अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, तीव्रता 5.0 नापी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे मैरीलैंड, बाल्टीमोर ब्रिज हादसे और उसकी रिकवरी की स्थिति की जानकारी ली। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बड़ा आरोप, कहा कि अब तक गाजा में इजरायली हमले में करीब 200 राहतकर्मी मारे गए हैं। इजरायली सेना ने गाजा में 7 राहतकर्मियों की मौत पर दुख व्यक्त किया, कहा कि पहचानने में गलती हुई जिसकी वजह से इन राहतकर्मियों की मौत हुई। इजरायली वायुसेना का लेबनान पर बड़ा हवाई हमला, अमल मूवमेंट के सैन्य कैंप पर बमबारी की। इजरायली सेना की दावा कि अमल मूवमेंट के कैंपस में इजरायली सेना पर हमला करने की साजिश बनाई जा रही थी, विवरण भी जारी किया गया। यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में रूस का बड़ा हवाई हमला, 4 नागरिकों की मौत, 20 घायल। रूस के फाइटर्स ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, बमबारी में कई मकान तबाह हुए। यूक्रेनी इमरजेंसी सर्विस के जवान अब राहत के काम में जुटे हैं, मकानों से मलबा हटा रहे हैं। यूक्रेन के खार्किव में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में बनाए गए हैं स्कूल, करीब 2000 बच्चे अब यहां पढ़ते हैं। रूसी हमले से बच्चों के बचाव के लिए 5 मेट्रो स्टेशन को स्कूल में बदला गया है, माहौल को भी खुशनुमार बनाने की कोशिश की गई है। जिम्बाब्वे ने नई मुद्रा जिंक को अपनाने का ऐलान किया, बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए पुराने मुद्रा को छोड़ा। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार 6ठे हफ्ते उछाल, 645 अरब 58 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 2 अरब 95 करोड़ डॉलर की बढ़त, RBI ने 29 मार्च को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट दी। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार दूसरी हार, हैदराबाद ने 6 विकेट से शिकस्त दी। मार्करों अभिषेक शर्मा की पारी के दम पर जीता हैदराबाद, दूसरी जीत के साथ 5वें नंबर पर।
चेन्नई की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 166 रनों का दिया था लक्ष्य। हैदराबाद की टीम ने 4 विकेट खोकर जीता मैच। जीतता पीछा कर रही हैदराबाद ने 11 गेंद रहते जीता मैच। मार्कम ने 50 और अभिषेक शर्मा ने 12 गेंदों में ताबड़तोड़ 37 रन बनाए। हैदराबाद की पारी में दूसरी गेंद पर ट्रैविस हेड का कैच छोड़ना चेन्नई को महंगा पड़ा। दीपक चहर की गेंद पर मोइन अली ने टपकाया था आसान कैच। डेविस हेड ने 24 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली। हेनरी क्लासे 10 रन और नीतीश रेड्डी 14 रन ने जीत के दहलीज को छुआ। चेन्नई की तरफ से मोइन अली ने 2 विकेट झटके। महसिन तिशकना और दीपक चहर को 1-1 विकेट मिला। टॉस हारकर बैटिंग करने उतरी चेन्नई की तरफ से शिवम दुबे ने 45 रनों की पारी खेली। रहा ने 35 और रविंद्र जडेजा ने 31 रन बनाए। हैदराबाद के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। भुवनेश्वर कुमार, नटराजन और कप्तान किमिंग सहित 5 गेंदबाजों को 1-1 विकेट मिले। हैदराबाद के अभिषेक शर्मा बने प्लेयर ऑफ द मैच। अभिषेक ने 12 गेंदों पर 4 छक्के और 3 चौके की मदद से 37 रन बनाए। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स के सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। जयपुर में शाम को 7:30 बजे मुकाबला। राजस्थान की टीम लगातार 3 जीत के साथ दूसरे नंबर पर काबिज। बेंगलुरु की टीम 4 मैचों में सिर्फ 1 जीत के साथ 8वें पायदान पर। आईपीएल में पर्पल कैप की रेस में मोहित शर्मा सबसे ऊपर। मोहित शर्मा ने 4 मैचों में सबसे ज्यादा 7 विकेट लेकर पहले नंबर पर जगह बनाई। आईपीएल में ऑरेंज कैप की रेस में विराट कोहली 203 रन बनाकर सबसे ऊपर। रियान पराग दूसरे और क्लासेन तीसरे नंबर पर। मुंबई इंडियंस से जुड़े सूर्य कुमार यादव टीम में कैप में शामिल होने के बाद सूर्य कुमार यादव ने नेट प्रैक्टिस शुरू की। दिल्ली के कैपिटल्स को लगा झटका। कुलदीप यादव को आराम करने की सलाह दी गई है। चोट लगने के बाद 2 मैच से बाहर है। स्टीव स्मिथ ने की विराट कोहली की बैटिंग की तारीफ। कहा कि कोहली बहुत शानदार खेलते हैं, बाकी टीम के खिलाड़ियों को भी अच्छा खेलना चाहिए। मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या ने सोमनाथ मंदिर में दर्शन किए, जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। खराब फॉर्म में चल रहे राजस्थान के जोश बटलर को मिला इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड का समर्थन। कहा कि बटलर को धैर्य रखना चाहिए।